नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने संगीत से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। मुझे बहुत सारे दोस्तों के ये कमेंट आए कि सर, जो आपने हमें रियाज बताया कई बोलों का और कई कायदों का, कुछ बोल ऐसे हैं अगर हम उनको बजाते हैं तो हमें काफ़ी कठिनाई आती है, जैसे हमारी या उंगलियाँ रुक जाती हैं बीच में उस बोल को बजाते हुए, या हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो देखिए, इसका मेन कारण यही हो सकता है कि आप सही ढंग से रियाज नहीं कर रहे हैं, या जो उंगलियों का स्टाइल है वो आपका सही नहीं है, या आप ज़्यादा फोर्स से बजाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। तो चलिए, आज उन जो कठिनाइयों को आप जो आपको आ रही हैं उसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन भी हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे किसी ने मुझे कमेंट किया था, एक मेरे दोस्त ने, कि सर जब मैं तिरकिट बजा देता हूँ, जब तक तिरकिट बजाना होता है तो उसमें मुझे प्रॉब्लम आती है। देखिए, आप मेरे हिसाब से आप सबसे पहले उस बोल का रियाज स्लो कीजिए। जैसे मैं आपको बजाकर बता देता हूँ, तिरकिट तक तिरकिट, आप ऐसे इसका रियाज स्लो कीजिए पहले, तिरकिट तक तिरकिट, ऐसे आप इसका स्लो रियाज कीजिए। जितना आप स्लो रियाज अच्छे ढंग से करेंगे उतनी आपकी स्पीड भी अच्छे ढंग से इस बोल के ऊपर बन जाएगी। जैसे देखिए, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाइए, 5 दिन इसका स्लो रियाज कीजिए, उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, ऐसे बढ़ाते चले जाइए, फिर आप कायदे का रियाज कीजिए। कायदे में इस बोल का रियाज आप पहले स्लो स्पीड में ही कीजिए, जिससे आपकी लय के ऊपर भी पकड़ अच्छी हो जाएगी और आपके जो बोल हैं वो भी करेक्ट निकलेंगे। देखिए, फिर एक आपको बता रहा हूँ, तिरकिट तक तिरकिट, ऐसे आप रियाज कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे बोलों के ऊपर बहुत सारे कमेंट भी आए कि सर इसके बारे में बताइए कि हमें इसमें भी कठिनाई आ रही है। देखिए, अगर आप किसी से सीख रहे हैं तो आप जैसे आपके गुरु आपको बता रहे हैं कि आपने उंगली को कैसे रखना है, कैसे हाथ को रखना है तबले के ऊपर, कैसे कितना फोर्स लगाना है और किस उंगली का यूज़ आपने कैसे करना है, ये आपने ध्यान में हमेशा रखना है। उनकी बातें ध्यान से सुननी है और उसको मानना भी है, क्योंकि आगे चलकर वही रियाज और वही सफाई आपकी उंगलियों में दिखाई देगी। तो इसलिए आपने रियाज अच्छे ढंग से करना है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मैंने बहुत सारे तबला वादक देखे हैं जो बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं कई बोलों में। तो सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान में रखिए, देखिए तबला जोर से बजाने वाली कोई ऐसा जो वाद्य नहीं है जिसको पूरा जोर लगा के बजाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कि कुछ ऐसे बोल हैं जिनमें जोर थोड़ा सा लगता है, पर इतना जोर भी नहीं लगता कि आपका इससे क्या हो कि आपकी स्पीड कम हो जाए। तो इसलिए आपने जितना फोर्स आप कम लगाएंगे आपका उतना स्टेमिना अच्छा बनेगा। और कम जोर कब लगा सकते हैं, जब आप सही ढंग से रियाज करेंगे। जैसे मेरे गुरुओं ने एक बात बताई, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, मैं आज आपको भी बता रहा हूँ। जैसे एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, ये प्रोवर्ब है तो सही है पर इसमें थोड़ी सी कमी है, ये पूरी नहीं है। तो मैंने इस बात को ध्यान में लिया और उन्होंने ये बताया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ये नहीं, राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि अगर आप सही रियाज करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इसलिए आपने सही रियाज करना है, हमेशा सही रियाज करना है, तभी आपके जो आगे वाले बोल हैं वो भी अच्छे ढंग से निकलेंगे और जो आपका रियाज है वो भी सभी को दिखाई देगा कि आप कितने अच्छे ढंग से रियाज कर रहे हैं। तो बातें ये होगी। अब जैसे रियाज से रिलेटेड कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। जब आप कायदे का रियाज करते हैं तो ज़्यादातर आपने कायदे का रियाज नगमे के साथ करना है, क्योंकि उसके साथ आपके लय की पकड़ अच्छी हो जाती है। पहले आपने नगमे का रियाज स्लो स्पीड में करना है, फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ानी है। इससे क्या होगा, आपके बोल भी अच्छे निकलेंगे और आपकी जो लय के ऊपर पकड़ है वो भी अच्छी हो जाएगी। एक बात और, जैसे कई बोलों में बात यह है कि आपकी उंगलियाँ रुक जाती हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, उस बोल का रियाज आपने कुछ दिन अपनी
गुरुओं की बातों को मानते हुए जैसे वो बता रहे हैं वैसे आपने कुछ दिन स्लो स्पीड में उसका रियाज करना है जैसे आपके गुरु बता रहे हैं। अगर आप किसी से नहीं भी सीख रहे हैं तो आपने उसका रियाज, उस बोल का रियाज स्लो स्पीड में करना है। जैसे कोई भी बोल आप ले लीजिए, जैसे धिट धिट, ये उल्टा धिट है, इसमें तिट उल्टा है, धिट धिट, इसका आप रियाज धीरे धीरे कीजिए, फिर आप इसको उल्टा सीधा जैसे मर्जी स्पीड में बजा सकते हैं। जैसे धिट धिट, जैसे मैंने आपको एक कायदा भी बताया था, अब ऐसे आप अगर रियाज धीरे धीरे पहले स्लो कीजिए, धिट 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 धिट, उल्टा है ये टिट टिट वाला, इधर गे है, तो ऐसे ही आप इसके बाद स्पीड में इसे बजा सकते हैं। जैसे इसके ऊपर भी मुझे एक कमेंट आया था, एक मैसेज आया था, तो तभी इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे देखिए धिट धिट, एक घोड़ा ताल है, वो भी इसी में ही बनती है, इन्हीं बोलों में बनती है। इसका प्रकार घोड़ा ताल का एक प्रकार है जो इसी में ही बनता है। जैसे बहुत सारे ऐसे ताले हैं आप निकाल सकते हैं, पर आपके बोल से ही निकलने चाहिए। इसलिए आप स्लो स्पीड में रियाज कीजिए और गुरुओं की गुरुओं के सामने बैठकर रियाज कीजिए, वो सबसे बढ़िया है, जिससे आपके गुरु आपकी जो कमियाँ हैं उसके बारे में भी बताएंगे। अगर आप किसी से नहीं भी सीख रहे हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, मुझे एक मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो इसलिए आप स्लो स्पीड में रियाज कीजिए जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे ज़रूर दबा लें, ताकि संगीत से जितनी भी जुड़ी हुई वीडियोज़ मैं डालूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप संगीत के परिवार से जुड़ते रहें और ये जो संगीत है पूरे संसार में फैलता रहे, और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।